हेलो फ्रेंड्स, आयंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश यादव और आज के ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे आयंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को जरूर बजाएं ताकि अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ऑल प्रोग्राम पे, और उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का, उस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही हमारा एक्सेल विंडोज ओपन हो जाएगा और उसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा एक्सेल का पूरा पूरा पेज है। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेल क्या होता है और इसका किस लिए यूज किया जाता है। तो एक्सेल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, और हम एक्सेल का उपयोग रो और कॉलम में डाटा को अरेंज करने तथा काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। और इस एक्सेल के माध्यम से हम और भी कई कार्य कर सकते हैं, जैसे सैलरी शीट बनाना, मार्कशीट बनाना, ऐसे बहुत सारे कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। आइए कुछ एक्सेल के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो सबसे ऊपर की पट्टी आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी हम कार्य एक्सेल में करते हैं तो उसको हम किसी नाम से सेव करते हैं, तो हम जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम यहाँ पे शो करता है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये एरिया आपको जो दिख रही है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में हमें बहुत सारे टूल नज़र आते हैं, जैसे सेव हुआ, रीडो हुआ, अंडो हुआ, सर्च हुआ, ये सारे टूल हमें नज़र आते हैं और इन टूल पे हम डायरेक्ट जंप करते हैं, डायरेक्ट जंप कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। और इस एक्सेस टूल बार में हम वे सभी टूल को ऐड कर सकते हैं जिनकी हमें बार बार आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए हमें ओपन टूल की बार बार आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसे ऐड करने के लिए ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ओपन नाम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर देंगे। तो अब देखिए ओपन जो टूल था यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो गया। अब इसको हम फास्टली यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम रिमूव कर दें तो इस टूल पे अपने पॉइंटर को ले जाएंगे और राइट क्लिक करके पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे। क्लिक करते ही वो टूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये आपको बटन दिख रहा है इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन, और ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ऑफिस मेनू ओपन होता है। उसमें ढेर सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसे ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इन सारे ऑप्शन का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कुछ हमें टैब दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा रिव्यू व्यू, ये सारे टैब हैं। और इन सब टैब के नीचे जो आपको चौड़ी पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पट्टी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इसको रिबन के नाम से भी बुलाया जाता है, और रिबन पे वे सारे टूल होते हैं अपने मतलब टैब से संबंधित। ठीक है, जैसे होम टैब है तो होम टैब से संबंधित रिबन पे सभी टूल आपको नजर आ रहे हैं जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं रो और कॉलम। एक्सेल में जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है, जो टॉप से बॉटम की ओर चलता है, जिसको हम अल्फाबेट से हेडिंग से दर्शाते हैं, जैसे ए हुआ, ए बी सी डी। और हमारे एक्सेल सीट में जो कॉलम की टोटल संख्या होती है वो होता है 16,
384, ये हमारे एक्सेल शीट में टोटल कॉलम की संख्या होती है। और हमारा जो कॉलम होता है वो ए से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है और एक्स एफ डी पे ख़त्म होता है, एक्स एफ डी पे ख़त्म होता है। और यही जो हमारा कॉलम होता है, सॉरी जो रो होता है, वो हमारे एक्सेल शीट पे लेफ्ट से राइट की ओर चलता है और ये हॉरिजेंटल होता है और इसको हम न्यूमेरिक से दर्शाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये हमारा रो होता है, रो को हम न्यूमेरिक से दर्शाते हैं 1, 2, 3, 4। और हमारे एक्सल एक एक्सल शीट में टोटल रो की संख्या होती है 10, 48, 576। हमारे एक एक्सल शीट में ये टोटल इतनी रो होती है जो एक से स्टार्ट होती है, जो एक से स्टार्ट होती है और 10, 48, 576 पे ख़त्म होती है, ठीक है, ये होता है रो। अब देखिए अगर हम सेल की बात करें तो हमारे शीट में जो रो और कॉलम होते हैं, ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया आपका रो। रो और कॉलम के आपसी कटाव से ये जो बॉक्स तैयार हो रहा है, कई बॉक्स तैयार हो रहे हैं इस तरह से, ये जो बॉक्स है इसे हम कहते हैं सेल। और हमारे एक्सेल में हर एक सेल की अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है, जैसे इस सेल का एड्रेस क्या होगा, शीट बना लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया आपका रो। कॉलम को हम अल्फाबेट्स ए बी सी से दर्शाते हैं, सी डी, और न्यूमेरिक को कैसे दर्शाते हैं, 1, 2, 3, 4 से दर्शाते हैं। तो ये हो गया आपके रो और ये हो गए कॉलम। अब देखिए रो और कॉलम के आपसी कटाव से ये जो बॉक्स बन रहा है, इसी बॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है, जैसे इस, जैसे ये सेल है, इस सेल का क्या एड्रेस होगा, अब ये जो सेल है, ये बॉक्स जो है वो किस कॉलम में आ रहा है, किस कॉलम के अंतर्गत आ रहा है, तो ये जो बॉक्स है वो ए के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। और ये बॉक्स किस रो के अंतर्गत आ रहा है, तो ये पहले रो के अंतर्गत आ रहा है, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A1। यानी किसी भी सेल का जो एड्रेस तैयार होता है कॉलम हेडिंग को लेकर के और रो हेडिंग को लेकर के किसी भी एक सेल का एड्रेस बनता है, ठीक है। अब जैसे इस सेल का ले लेते हैं हम, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ये किस कॉलम में है, सी वाले कॉलम में है, और किस रो में है, दूसरे वाले रो में है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको सेल और रो कॉलम क्लियर होगा। अब जैसे अपने एक्सेल शीट पे देख लीजिए, ये जो आपका है, ये जो आपका है ये कॉलम है और ये जो आपका है ये रो है। देखिए कॉलम को अल्फाबेट से दर्शाया गया है, ए बी सी से दर्शाया गया है, और रो को किससे दर्शाया गया है, 1, 2, 3, 4 से दर्शाया गया है। और रो और कॉलम के आपसी कटाव से ये जो बॉक्स बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को सेल कहते हैं और हर एक सेल का अपना अपना एड्रेस होता है, ठीक है। और ये जो सेल है इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। अब नेक्स्ट है, जैसे हम यहाँ पे 2-3 सेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेम बॉक्स, ये देखिए ये है नेम बॉक्स, जो सेल एक्टिव होता है उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में शो करता है। जैसे इस टाइम हमारा कौन सा सेल एक्टिव है, ये वाला सेल एक्टिव है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, B7। B7 क्या है, B कॉलम है और 7 क्या है, रो है, तो इस सेल का एड्रेस हो जाएगा B7। जब हम एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो ये नेम बॉक्स है, यहाँ पे देखेंगे ये नेम बॉक्स जो है इसमें देखेंगे 8 लिखा हुआ है, 8R 3C लिखा हुआ है, तो इसमें 8R क्या है, 8 रो है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 रो है और ये 3 कॉलम है, 1, 2, 3, ये 3 कॉलम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी सीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे बी पे लाके क्लिक करते हैं तो ये बी वाला कॉलम पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 पे क्लिक करते हैं तो 4 वाला रो है जो पूरा 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 का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो कॉर्नर में छोटा सा बटन है,
अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो नेम बॉक्स में, यहाँ पे देखेंगे नेम बॉक्स में तो 10 48 576 R और 16 16 384 C है। यहाँ पे जो पहला दिया है 10 48 576, तो ये एक सीट की पूरी टोटल रो है। और यहाँ पे जो दिया है 16 384 दिया है, ये एक सीट की टोटल कॉलम है। और मैं आपको पहले ही बताया था कि कॉलम जो शुरू होता है वो ए से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, एक्स एफ डी पे ख़त्म होता है, एक्स एफ डी पर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। इस एरिया में जो भी हम फार्मूला टाइप किए रहते हैं यहाँ पे शो करता है, यानी फार्मूला बार में फार्मूला शो करता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे दूसरे सेल में 5 लिख दिया, और इन दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रिपल सी के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, मतलब किसके किसके द्वारा स्टार्ट होता है। तो हमारे एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल टू के चिन्ह से स्टार्ट होता है। जब भी हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करते हैं, उसके बाद कोई फार्मूला टाइप करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेल में जो फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू टाइप किए और यहाँ पे सम टाइप करेंगे, कोष्टक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं इसका, और प्लस के साथ इसका दे देते हैं इस सेल का एड्रेस, और यहाँ पे हम कोष्टक को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके, जोड़ने के बाद ये हमारा रिजल्ट आया, यानी 2 और 5 को हम जोड़े तो 7 आया। अब देखिए एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये जो सेल है, सेल में जिसमें हमने फार्मूला टाइप किया था उस सेल में हमारा आंसर रिजल्ट शो कर रहा है, लेकिन ये जो फार्मूला बार है यहाँ पे, फार्मूला बार में फार्मूला शो कर रहा है, सेल में क्या शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्मूला बार में फार्मूला शो करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, जब हम एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन रहती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अपने आवश्यकता अनुसार हम सीट को ऐड भी कर सकते हैं। इस बटन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ इस बटन पे क्लिक करते ही एक सीट ऐड हो जाएगी, मतलब इंसर्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि सीट को, वर्कशीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F11। हम अपने वर्कबुक में सीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट की के माध्यम से हम अपने वर्कबुक में सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, Shift+F11 के माध्यम से। अब देखिए ऐड कैसे होगा, या तो हम Shift+F11 प्रेस करें या इस बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए क्लिक करते ही एक सीट ऐड हो गई, सीट 4 ऐड हो गई, फिर क्लिक किए सीट 5 ऐड हो गई, फिर क्लिक किए सीट 6 ऐड हो गई। अब देखिए अपने आवश्यकता अनुसार हम सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिस सीट को हमें डिलीट करना है उस सीट पे पॉइंटर को ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। देखिए 3, यहाँ पे सीट 3 है, सीट 3 के बाद सीट 5 आ गया, 4 नहीं दिखा क्योंकि हम 4 तो अभी डिलीट कर दिए तो वो कहाँ से दिखेगा। तो इस तरह से हम सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, अपने आवश्यकता अनुसार हम सीट को, सीट का जो नाम है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी हम सीट के नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर और यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें जो सीट का नाम देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने जो सीट 2 था उसका नाम चेंज करके ऑयंस कर दिया। तो हम सीट के नाम को चेंज भी कर सकते हैं और सीट को अपने आवश्यकता अनुसार डिलीट तथा ऐड भी कर सकते हैं। ट्रिपल सी के क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम किसी एक वर्कबुक के सीट को किसी दूसरे वर्कबुक में मूव या कॉपी कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जिस वर्कबुक के सीट को आपको कॉपी या मूव करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है मूव आर कॉपी का ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के माध्यम से हम
किसी एक वर्कबुक के सीट को किसी दूसरे वर्कबुक में क्या कर सकते हैं, मूव या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो बटन है इसको हम कहते हैं स्क्रोल बटन। ठीक है, ये स्क्रोल बटन है और इस बटन को वर्टिकल स्क्रोल बटन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल स्क्रोल बटन। हमारे वर्कशीट पे हमारे इस एक्सेल में दो स्क्रोल बटन होते हैं, एक वर्टिकल होता है और यहाँ पे जो इस तरह से होता है क्षैतिज, ये हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, वर्टिकल स्क्रोल बटन से हम अपने पेज को टॉप से बॉटम की ओर मूव कर सकते हैं, और हॉरिजेंटल जो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल स्क्रोल बटन है उसके माध्यम से हम अपने पेज को लेफ्ट से राइट की ओर मूव करा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे पास में दिया हुआ है ये जूम लेवल दिया हुआ है, यहाँ से हम अपने सीट की अपने सीट का जूम लेवल सेट कर सकते हैं। अगर हमें जूम इन करना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, हमारा जूम इन हो जाएगा, और आउट करना है तो आप माइनस पे क्लिक करेंगे, हमारा जूम आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम अपने सीट के जूम लेवल को सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके माध्यम से हम अपने एक्सेल फाइल को मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।